हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम टैली में चेक प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे। अब जैसे अगर आप डेली के 15 से 20 चेक बना रहे हैं या आप पोस्ट डेटेड चेक्स बना रहे हैं और आप उन चेक्स को मैन्युअली नहीं भरना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक एक चेक को मैन्युअली फिल करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास टैली में फीचर है जिसकी हेल्प से आप चेक की सेटिंग करके चेक को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि जब आप पेमेंट वाउचर क्रिएट करते हैं उसी टाइम पर ही आप वाउचर क्रिएट करने के बाद ही चेक को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ F11 की को प्रेस करना है। देन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स। अब जैसे आपको यहाँ बैंकिंग फीचर्स में यहाँ ऑप्शन मिलेगा अनेबल चेक प्रिंटिंग, आप इसे यस करेंगे। देन इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको बैंक लेजर क्रिएट करना है। जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ बैंक लेजर क्रिएट किया हुआ है, हम यहाँ ऑल्टर पर आते हैं, देन बैंक सेलेक्ट करते हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपका टैली में लाइसेंस वर्जन चल रहा है तो आपके पास चेक के फॉर्मेट भी आ जाएंगे, बट अभी हमारा टैली का लाइसेंस वर्जन नहीं है। तो अब जैसे कि आप देखेंगे कि हमने यहाँ बैंक का लेजर क्रिएट किया हुआ है जिसे हमने यहाँ पर रखा है अंडर बैंक अकाउंट्स। फिर आप यहां बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर कर लेंगे, जैसे कि अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट नंबर, IFS कोड, फिर है बैंक नेम। तो अभी आप देखेंगे बैंक नेम में यहां नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। अगर लाइसेंस वर्जन होता तो यहां आपके पास बैंक नेम की लिस्ट आ जाती और वहां से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर आप अपने बैंक की ब्रांच एंटर कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है ऑल्टर चेक बुक्स, इसे हम यहाँ पर यस करते हैं। और अब आप यहाँ पर अपने चेक बुक्स की रेंज एंटर कर सकते हैं, आपके जितने भी चेक्स हैं उनकी रेंज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्रॉम नंबर में और टू नंबर में जो हमारे चेक की रेंज है वो हमने एंटर कर दी है। और जैसे आप यहाँ पर एंटर करके नंबर ऑफ चेक्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ चेक्स होंगे वो आपको यहाँ शो कर देगा, जैसे कि यहाँ पर है 21। और इसके बाद जो भी आपकी चेकबुक का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है Book 1। और अब एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप अपनी चेक की डायमेंशंस को एंटर कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ ऑफ चेक, हाइट ऑफ चेक, इसी तरीके से चेक डेट की जो चेक डेट है उसका टॉप एज से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लेफ्ट एज से स्टार्टिंग लोकेशन क्या होनी चाहिए, स्टाइल ऑफ डेट क्या होना चाहिए, इसी तरीके से अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स। तो जिस तरीके से भी आप अपने चेक की डायमेंशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब सपोज अगर आप यहाँ किसी दूसरे बैंक की चेक डायमेंशंस को यहाँ कॉपी करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपने सेम कंपनी में कोई अदर बैंक क्रिएट किया हुआ है और उसकी डायमेंशंस को आप यहाँ कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ कंट्रोल सी प्रेस करेंगे या आप यहाँ राइट हैंड साइड में आएंगे और कॉपी फ्रॉम पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सामने लिस्ट ऑफ कॉन्फिगर्ड बैंक्स की विंडो आ जाएगी। और अब यहाँ से जिसके भी फॉर्मेट को आप यहाँ कॉपी करना चाहते हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सैम्पल फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज हम यहाँ ICICI बैंक की जो चेक डायमेंशंस हैं उसे यहाँ कॉपी करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर बैंक की जो भी चेक डायमेंशंस होंगी वो यहाँ कॉपी हो जाएंगी। इसके बाद अब अगर आप यहाँ इन सेटिंग्स का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शो होना चाहिए विद प्रिंट प्रीव्यू। अगर इन केस आपको यहाँ विद प्रिंट प्रीव्यू शो नहीं होता है, इन केस अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से शो होता है तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप सिंपली ऑल्ट के साथ आई प्रेस कर देंगे। अगर आप विद प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो भी आप ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, और अगर आप प्रीव्यू नहीं देखना चाहते हैं तो भी ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ शो हो गया है। इसे जूम करके देखना है तो ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आपका चेक का प्रीव्यू शो हो गया है कि जब आपका चेक प्रिंट होके आएगा तो वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। और इसके बाद अब आप यहाँ एस्केप की प्रेस कर देंगे और लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स पर आते हैं और अब हम यहाँ पेमेंट वाउचर क्रिएट करते हैं, मतलब कि अब हम यहाँ किसी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें चेक से पेमेंट करनी है।
फिर यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर F12 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शो बैंक एलोकेशन डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि बैंक की डिटेल्स आपको शो हो, जैसे कि चेक नंबर क्या है, चेक की डेट क्या है, वो डिटेल्स आपको शो करे, तो आप यहाँ पर इसे यस करेंगे। आप चाहें तो इसे नो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर। अगर आप चाहते हैं कि वाउचर सेव करने के बाद आपका चेक प्रिंट हो, तो आप इसे यस कर देंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पर नेक्स्ट चेक कंफर्म ई चेक बिफोर प्रिंट, मतलब कि चेक प्रिंट होने से पहले हर बार आपसे कंफर्म करे, तो आप यहाँ पर इसे यस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है यूज ऑटो चेक नंबरिंग। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके चेक्स की नंबरिंग ऑटोमेटिकली होती रहे, तो आप यहाँ पर इसे यस कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप चाहे ब्लैंक चेक दे रहे हैं या अगर आप कैंसिल चेक दे रहे हैं, तो भी ये उन चेक्स को ऑटो नंबरिंग करता रहेगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे नो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर बार आपसे ये चेक रेंज पूछे, तो आप यहाँ पर इसे यस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपसे चेक रेंज हर बार ना पूछे, तो आप इसे नो कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसे यस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और फिर आप यहाँ पर अपना बैंक एंटर करेंगे जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपसे मैन्युअली पूछ रहा है कि आप जो है किस चेक रेंज में से ये चेक देना चाहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी चेक रेंजेस हैं, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चेक रेंज में से आप इस चेक को पे कर रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से इस चेक रेंज को सेलेक्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाउचर सेव होने के बाद यहाँ पर ये आपसे चेक प्रिंटिंग करने के लिए कंफर्म कर रहा है कि ये चेक प्रिंट करे या नहीं। अगर आप चेक प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको शो होना चाहिए विद प्रिंट प्रीव्यू। अगर यहाँ पर विद प्रिंट प्रीव्यू आपको शो नहीं होता है, तो आप ऑल्ट के साथ आई प्रेस कर देंगे। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ शो हो रहा है। इसे यहाँ हम जूम करते हैं, जिसके लिए ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं चेक का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ शो हो गया है। और अब हम यहाँ एस्केप की प्रेस करते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस पार्टी के लिए दूसरा चेक बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं, तो यहीं से आप इस पार्टी के लिए दूसरा चेक क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर चेक रेंज सेलेक्ट करेंगे और जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है, यानी कि जो भी चेक नंबर है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मतलब कि जो आपकी ये रेंज है, इस रेंज में से जो भी आपका चेक नंबर है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से आप टैली में चेक प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू।